कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की शाम को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निगरानी समितियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। नगर निगम के सभागार में शहरी क्षेत्र के निगरानी समितियों से संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी को मिलकर कोरोना महामारी से लड़ना होगा और उसे दूर भगाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ कंटेनमेंट जोन में विशेष व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मई माह से प्रदेश के गरीबों को राशन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 किलो राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देशित सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा, जिससे कोरोना को दूर भगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ये माइक किसी बात को लेकर लगाए गए हैं जिससे इससे हम लोग प्रचार कर सकें कि हम मास्क लगा करके चले, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए, यानी 7 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और जो एक से अधिक बीमारी से पहले से ग्रसित है, वे लोग सावधानी बरतेंगे। घर से बाहर न कोई व्यक्ति अगर जरूरत नहीं तो अनावश्यक घर के बाहर ना निकले। किसी चीज को हम बाहर ला रहे हैं तो हमारे सैनिटाइजर से हाथ साफ हो जाए, नाक मुंह नाक पर किसी चीज को छूने के बदलाव का अपना हाथ धो लगाए, व्यक्ति का करना स्वच्छता सैनिटाइजेशन और वॉकिंग की कार्रवाई को महत्व देना, लगातार इन चीजों के बारे में उसके माध्यम से स्वीकार करने के बजाय
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में माननीय पार्षद जी की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनी हुई है, उससे फिरोजाबाद और गाजियाबाद नगर निगम की निगरानी समितियों के सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से वार्ता की और उनसे कैसे काम कर रही है निगरानी समितियाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ साथ उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले एक वर्ष में निगरानी समिति चाहे वो ग्राम स्तर पर हो चाहे वो वार्ड स्तर पर हो के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है और उन्होंने उनका हौसला अफजाई करते हुए जो ये इस वक्त हम लोग जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, उसके संबंध में उनको और मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र में जो हमारे निगरानी समिति हम उनका जो मुख्य काम है उसके बारे में बताया, जैसे कि जो अब हमारा कैंटोनमेंट जोन है उस कैंटोनमेंट जोन को हम लोग चारों तरफ से बैरिकेडिंग करने के बाद मुख्य एंट्री पॉइंट पर
वहाँ पर एक एंट्री पॉइंट पर एक फ्लैक्स लगा रहेगा जिसमें कि उस कंटेनमेंट जोन की संख्या, वहाँ का जो संख्या में दिनांक आदि लिखा रहेगा, जिससे कि मालूम चल पाए कि किस दिन 14 दिन पूरा होगा और ये कंटेनमेंट जोन से बाहर जो है वो उससे बाहर आ जाएगा ये एरिया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन है, डोर टू डोर जो हाउस टू हाउस सैनिटाइज कराया जाना है बड़ी गाड़ियों से, प्लस जो हैंड हेल्ड मैनुअल मशीनें हैं उनके माध्यम से, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ जो चूना और मेथलियन का जो घोल है उसका जो छिड़काव होना है इसके संबंध में उन्होंने अवगत कराया, प्लस जो एक विशेष सफाई अभियान पूरे उस क्षेत्र में कराया जाना है कंटेनमेंट जोन में, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हमारे हैं उसके बारे में भी उन्होंने अवगत कराया, फॉगिंग के बारे में सब जानकारी दी गई। इस प्रकार से जो हमारी निगरानी समितियां हैं, जो वार्ड वार जो 70 निगरानी समितियां हैं, जो पार्षद जी के अगुवाई में जो वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वहाँ की आशा बहुएँ हैं, जो ANM हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, ये जो हमारे कर समाहर्ता हैं, इन सबों की जो टीम है इनको किस प्रकार से और बेहतरीन तरीके से काम करना है जिससे कि जो कोरोना का जो इस वक्त जो दूसरी लहर आई हुई है जिसका संक्रमण बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज है, उस संक्रमण की जो चेन को हम ब्रेक कर सकें, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। और हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी पूरी जो हमारी टीम है जिसमें कि हमारे आज के इसमें काफ़ी पार्षद, हमारे आशा बहुएँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, हमारे अधिकारीगण, कर समाहर्ता सभी मौजूद थे, उन लोगों ने उनके उद्बोधन को सुना और हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरी अपनी पूरी टीम के साथ इस बात को विश्वासपूर्ण तरीके से कर सकते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको निश्चित रूप से ब्रेक करके इस जंग को हम अवश्य जीतेंगे। सर, कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है जिसमें छिड़काव सफाई की बात हो रही है, लेकिन उसमें जो लोग रहने वाले उनको आवश्यक वस्तुएं कहाँ से मिलेंगी? नहीं, वो तो उसके लिए हर चीज़ बनेगी। जब कंटेनमेंट जोन बनेंगे तो वहाँ पर गाड़ी लगाई जाएगी जो कि उनको आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे साग सब्जी दूध चावल दाल चीनी जो आवश्यक वस्तुएं सबके लिए एक पूरी इसकी सप्लाई, पहले भी जैसे पिछले वर्ष भी हुआ था उसमें पूरी सप्लाई की गई थी, उसी प्रकार से सप्लाई किया जाएगा छोटी से छोटी, जिससे बस वहाँ के लोग उससे निकले ना। हम वहीं पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेंगे कि आप हमेशा मास्क लगाइए, आप किसी भी हालत में जिससे अगर किसी से बात कर रहे हैं तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करिए और किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलिए। अगर घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है तो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर से बाहर आइए। ये मुख्य बातें थी।